एडवर्डगंज हॉस्पिटल के पीछे मंदिर है, उसके सामने गली में डेयरी चल रही है। सुनाम का रहने वाला है, 4-5 महीने यहाँ आता है हर साल, और बहुत गंदी जगह है, कोई लाइसेंस नहीं है, हर साल अपना एक एरिया बदल लेता है, रेंट पे लेता है। एंड आज कोई इन्फॉर्मेशन आई थी अनोनिमस, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ रेड की है। मलोट दे विच सेहत विभाग ने वड्डी कार्रवाई कीती है, रिफाइंड तो तैयार किए जा रहे नकली दुध का पर्दाफाश किया है, दुध वाली एक डेयरी नू सील कर दिता गया है। सेहत विभाग की अधिकारी मैडम उषा गोयल ने दसिया कि यह व्यक्ति सर्दी के 4-5 महीने मलोट विखे आंदा सी अते एक किराए की जगह लैके उथे रिफाइंड अते होर कुछ कैमिकल्स के नाल दुध तैयार करके अगे सप्लाई करता है। इत्थे ही बस नहीं, हर बारे व्यक्ति अपनी जगह भी बदल लैंदा है। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार से छापेमारी की है, डेयरी मालिक के कोलों 1,000 लीटर दुध के भरे ड्रम रिफाइंड आदि फड़े ने। सेहत विभाग के अधिकारियों अनुसार डेयरी मालिक के नियमों अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जद पुलिस दे वल्लों भी अपने पद्धर ते कार्रवाई की जा रही है। मलोट के एडवर्डगंज हॉस्पिटल के पीछे मंदिर है, उसके सामने गली में डेयरी चल रही है। सुनाम का रहने वाला है, 4-5 महीने यहाँ आता है हर साल, और बहुत गंदी जगह है, कोई लाइसेंस नहीं है, हर साल अपना एक एरिया बदल लेता है, रेंट पे लेता है। एंड आज कोई इन्फॉर्मेशन आई थी अनोनिमस, उसके तहत हम लोगों ने यहाँ रेड की है। यहाँ पर हमें दूध मिला है, 2 टैंकर खड़े हैं, एक टैंकर में है 120 किलो के आसपास 1.25 क्विंटल और दूसरे में 2.5 क्विंटल, और इसके जो प्रेमिसेस में हमें मिला है वो है कोई 3-4 क्विंटल दूध क्रीम रिफाइंड, और दूध को मिक्स करके ये 1 लीटर रिफाइंड में थोड़ा सा दूध मिला के तकरीबन 20 लीटर दूध बना रहा है। हमने सैम्पलिंग कर रही है, सारा स्टॉक सीज करके जाएंगे, एंड सीजर के बाद जब रिपोर्ट आएगी, पुलिस खड़ी है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसके बाद हम रिपोर्ट के तहत बनती कार्रवाई करेंगे। सूचना आई, वही मैंने आपको बताया ना, किसी ने फोन पे सूचना दी है। देखो जी, ये देखो लाइसेंस है ही नहीं, यदि सैंपलिंग हुई है नहीं हुई है ओदा कहना है। वो ये कह रहे हैं जी मैं सिर्फ सर्दी सर्दी आना, और हर साल ये अपना अड्डा बदल देने, रेंट ते लेंदे ने जगह। बिल्कुल, पुलिस अपना FIR रजिस्टर करेगी, असी डिपार्टमेंटल बनती कार्रवाई करके जावांगे। देखो जी, मेरा कहना है एक यही जी जगह पे बैठे ने जिथे कोई जंगल उजाड़ नहीं है, मलोट मंडी दे विच बैठे ने, ते जे कोई हर साल 4 महीने वास्ते बाहरों आके यह जा काम करता है तो वैसे ही शक दे दायरे च आ जाता है। अपने समाज, अपने लोगों के रहन, जड़े आस पास के रहने वाले उन्होंने जिम्मेवारी बनती है कि यही जी कोई सूचना होंगी है, गुप्त नाम रख लेन अपना, तो सानू कोई सूचना दे देन, तो उससे ही कार्रवाई होगी। देखो जी, सप्लायर इनू कौन सप्लाई कर, यह कितों लै रहे ने यह नहीं पता, सप्लाई जरूर इन्होंने कहने के मुताबिक किसी होर जिले करते हैं, उत्थे भी बन की कार्रवाई करवा द, मैं इनफॉर्म कर दिता उस जिले में, उत्थे भी कार्रवाई हो जाएगी। देखो जी, अज तो सानू इतों की इनफॉर्मेशन सी, टाइम टू टाइम असी जमो जो भी न्यूज़ मिलेगी उस हिसाब से रेट कर देंगे। लगभग कितना दूध जनरेट कर रहे? देखो जी, दसन वाला कभी भी सही नहीं दसेगा कि मैं कितना जनरेट करदा, सानू जो मिलिया है वो दस सकते हैं। मलोट तो ब्यूरो रिपोर्ट, NC7 न्यूज़।